morning, kids. Good morning, sir. How are you? I'm fine, thank you. आज हम पढ़ने वाले पड़की देवी की स्टोरी. किसकी? पड़की देवी की स्टोरी. My name is पड़की देवी. I live in a village in धनबाद district, झारखंड. मेरा नाम एक लेडी है, उसका नाम क्या है? पड़की देवी. और वो कहाँ रहती है? झारखंड के धनबाद शहर में. झारखंड की राजधानी कहाँ है? रांची. Okay. I never got a chance to go to school. I remember that when I was 5 years old, I broke my foot. अब पड़की देवी की जो स्टोरी है, पड़की देवी बोल रही है कि पड़की देवी आज तक कभी स्कूल नहीं गई. ठीक है, वो कभी मतलब उसको स्कूल जाने का मौका नहीं मिला. ठीक है, और जब वो 5 साल की थी तब उसने अपनी टांग क्या कर दी? तुड़वा दी. अब टांग उसने कैसे तुड़वाई? I had climbed a tree to eat the jamun fruit. वो जामुन के पेड़ में चढ़ी और जो जामुन की जो टहनी थी वो कच्ची होती है जामुन की, जामुन का पेड़, तो उसकी टहनी टूटी और उसकी टांग टूट गई. अब वो बोल रही है कि जब भी विंटर आती है, मतलब जब सर्दियां आती हैं, तो मेरा पांव फिर से क्या होने लग जाता है? दर्द करने लगता है और उसमें बहुत ही तेज दर्द होता है. While grazing our goats, we often got busy in playing. Once at the age of 10 years, I got a big scolding. I had lost one goat. अब वो बोल रही है पड़की देवी की, जब वो 10 साल की थी, ठीक है, तो उसको एक बार बहुत डांट पड़ी. क्यों? क्योंकि वो क्या करती थी कि बकरियों को चुगाने के लिए जाते थे. अब बकरियों के लिए जब वो चुगाने के लिए जाते थे तो वहाँ वो खेलने लग जाते थे. जब वो खेलते थे तो इतने देर में क्या हो गया, बकरियाँ इधर उधर हो गई और उनकी एक बकरी खो गई. तब वो कितने साल की थी? 10. बट एट द एज ऑफ 15 years, आई वॉज मैरिड. और 15 साल की उम्र में उसकी क्या हो गई? शादी. माई हस्बैंड वॉज मच ओल्डर देन मी. माई फर्स्ट डॉटर वॉज बॉर्न 3 years आफ्टर माई मैरिज. लेटर आई हैड 3 more children when I was 20, 22 and 24 years old. अब वो बोल रहे जो मेरे जो पति थे, जिससे मतलब उसकी शादी हुई थी, वो भी उससे क्या थे? काफ़ी बड़े थे. और जब उसकी शादी हुई थी, उसके 3 साल बाद उसका क्या, उसकी क्या हुआ? पहला, पहली लड़की हुई उसकी. ठीक है, पहले बच्चा हुआ उसका, डॉटर मतलब पुत्री, पुत्री मतलब लड़की. तो कितने साल की रही होगी तब वो? 17, 18. ठीक है, तो 18 साल की उम्र में उसकी पहली लड़की हुई, फिर 20 में दूसरा, 22 में तीसरा और 24 में चौथा. टाइम पास वेरी फास्ट. देन आई वॉज बिजी विद माई फार्म हाउस वर्क एंड लुकिंग आफ्टर माई एनिमल्स. बट एट द एज ऑफ 35 years, माई वर्ल्ड केम टू स्टॉप. माई हस्बैंड फेल इल एंड डाइड. अब वो बोल रही है कि वो क्या हुआ, जैसे जैसे मतलब उसका जीवन आगे बढ़ता रहा, उसका जीवन काफ़ी तेजी से चला. ठीक है, मतलब सब कुछ, क्योंकि उसके बच्चे भी हो गए, फिर वो अपने खेत में अपने जानवरों में क्या हो गई, बहुत ही बिजी हो गई. लेकिन 35 साल की उम्र में क्या हो गया, उसके जो पति थे वो काफ़ी बीमार पड़े और क्या हो गए? मर गए. His brothers tried to take away our farm. They beat me badly and said I was a witch. Some good people saved me. We fought a case against those who beat me. At the age of 40 years, I saw a police station for the first time. अब क्या हुआ, जब उसके पति मर गए तो जो उसके जो देवर थे, देवर और उसके जो जेठ थे, ठीक है, तो जो उनके जो देवर थे, जो उनके जेठ थे, उन्होंने क्या किया, उनको बहुत मारा और उनके जो खेत थे उनको भी क्या की, छीनने की कोशिश की. ठीक है, लेकिन जो कुछ लोग थे उन्होंने उनको क्या कर लिया, तब भी बचा लिया. अब जो पड़की देवी थी उस, वो बोल रही है क्योंकि जब हम किसी के लिए केस लड़ेंगे या कुछ करेंगे तो हमको कहाँ जाना पड़ेगा? पुलिस स्टेशन में जाना पड़ेगा. वेरी गुड. तो एट द एज ऑफ 40 years आई सॉ अ पुलिस स्टेशन. जो 40 साल की उम्र में मैंने सबसे पहली बार क्या देखा? पुलिस स्टेशन देखा. व्हेन आई वाज 45 आई लर्न टू रीड एंड राइट. और जब मैं 45 साल की थी उस समय मैंने पढ़ना और लिखना सीखा. 2 years later, I got my eldest daughter married. और उसके 2 साल बाद मैंने जो मेरी सबसे बड़ी बेटी थी उसकी क्या की? शादी की. कितने साल में की होगी? 47. Very good. 47. Now I'm 50 years old. I enjoy playing with my grandchild. 2 of my children are studying in school. अब वो बोल रही है कि मैं 50 साल की हूँ और मैं जो मेरे जो पोते पोतियाँ हैं मैं उनके साथ क्या करती हूँ? खेलती हूँ और मैं बहुत खुश हूँ. 2 of my children are studying in school. और जो मेरे जो 2 बच्चे हैं वो अभी भी क्या कर रहे हैं? स्कूल जा रहे हैं. क्लियर है? सब बच्चों की समझ में स्टोरी आ गई. अब देखो स्टोरी पे बेस्ड यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं. सम थिंग्स दैट हैपेंड इन हर लाइफ आर गिवन बिलो. मार्क दीज ऑन अ टाइमलाइन. फॉर एग्जांपल व्हेन शी वाज 5 years old, पड़की ब्रोक अ फुट एज मार्क्ड एट 5 ऑन द टाइमलाइन. अब देखो यहाँ पर एक टाइमलाइन बनी हुई है. ये क्या लिखा हुआ है सबसे पहले? 5, 10, 20, 30, 40, 50. यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है एज इन ईयर्स. मतलब जो ये नंबर्स लिखे हुए हैं, जो ये 5, 10, 15 लिखे हुए हैं, ये क्या है? इसकी उम्र. अब देखो सबसे पहले उन्होंने ए लिखा हुआ है यहाँ पे 5. तो ए में यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रोक हर फुट. पड़की देवी ने कितने साल की उम्र में अपना पांव तोड़वा लिया था? 5. तो यहाँ पर उन्होंने ए लिखा हुआ है. अब लॉस्ट वन गोट. कितने साल की उम्र में उसने अपनी बकरी चुरवा ली थी? 10. तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? बी. ठीक है. गॉट मैरिड. कितने साल में शादी हो गई थी? 15. तो 15 कहाँ पे आएगा? 10 और 20 के बीच में आएगा.
क्या लिखना है यहाँ पे 15 और यहाँ पे आएगा सी। हैड हर फोर्थ चाइल्ड, उसका चौथा जो बच्चा था कितने साल में हुआ था? चौथा 18 में तो पहला हुआ था। हाँ वेरी गुड, कब? 24। तो यहाँ पर क्या आएगा 25 और यहाँ पर आएगा हमारा 24। तो यहाँ पर क्या लिखना है? फर्स्ट सॉ अ पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन कौन सी उम्र में देखा था उसने? 40। वेरी गुड, 40 में क्या लिखना है? 40 में ई। लर्न टू रीड एंड राइट, कितने साल में उसने पढ़ना और लिखना सीखा था? 45। क्या लिखना है? एल्डेस्ट डॉटर गॉट मैरिड, और उसकी सबसे बड़ी लड़की की शादी कितने साल में हुई थी? 47। वेरी गुड, 2 साल बाद हुई थी ना उसके जब उसने पढ़ना लिखना सीखा था। यहाँ पे क्या लिखना है? 47। जी ठीक है। मार्क ऑन द टाइम लाइन विद सीवेज बॉन्ड, अब देखो एक टाइम लाइन ये है, अब तुम ये बता सकते हो कि क्या क्या दिखा रहे होंगे चीजें, क्या दिखा रहा है ये? पेड़ टूट गया, पेड़ से वो गिर गई, ठीक है, फिर उसके बाद गुम हो गई, शादी हो गई, बच्चे हो गए, पुलिस स्टेशन, बड़ी बेटी की शादी हो गई। इसमें भी तुम अपने हिसाब से एज लिख सकते हो उसकी कि कब कब हुआ होगा ये? 5। वेरी गुड, 5, 10, 15, 20। चारों बच्चे हो गए ना यहाँ पे, या देखो चारों बच्चे दिख रहे हैं? 24। वेरी गुड, पुलिस स्टेशन 47। ठीक है, क्लियर है? यस सर। मार्क ऑन द लाइन व्हेन सी वाज बॉर्न, अब देखो यहाँ पर एक ब्लैंक छूटा हुआ है, यहाँ पर क्या रहा होगा? बच्चा, जब वो छोटी रही होगी, मतलब क्या लिखना है यहाँ पे मैंने? जीरो। जीरो साल में आपने क्या बनाना है यहाँ पर? एक छोटा सा बच्चा बनाना है, ठीक है, जब वो बच्ची रही होगी। कौन? पड़की देवी। इन द ब्लैंक बॉक्स ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ पड़की एज अ न्यू बॉर्न बेबी, ठीक है, यहाँ पर आपको क्या बनाना है? उसका एक चित्र बनाना है, ठीक है, क्लियर है? यस सर। समझ आई? यस सर। ओके, अब देखो यहाँ पर टाइमलाइन में भी कहाँ पर, यहाँ पर हम जीरो कहाँ पर दिखाएंगे? यहाँ पर दिखाएंगे ना जीरो, ये तो हम यहाँ पर कुछ लिख सकते हैं, यहाँ पर हम फॉर एग्जाम्पल जेड लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पर तब क्या हुई थी वो पैदा हुई थी, क्लियर है? यस सर।